जय जनेंद्र, प्रणाम सभी को। वर्तमान चौबीसी के बारे में तो हम सभी को ज्ञात है, सभी चौबीसों तीर्थंकरों के नाम हमको ज्ञात हैं, यहाँ तक कि हमें उनके 120 कल्याणकों के बारे में भी जानकारी है, हम उनके लांछनों के बारे में भी जानकारी रखते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जैन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसे हमें भविष्य के यानी कि भावी तीर्थंकरों के बारे में भी जानकारी हमारे पास में ऑलरेडी है। तो आज हम दर्शन करने वाले हैं आगामी चौबीसी यानी कि ये वाले चौबीसी के बाद में जो नेक्स्ट चौबीसी आएगी उसके प्रथम तीर्थंकर के बारे में आज हमको जानकारी मिलने वाली है। और दर्शन करने वाले हैं हम आगामी चौबीसी के प्रथम तीर्थंकर श्री पद्मनाभ स्वामी जी के, जो कि श्रेणिक महाराजा का जीव है। तो आइए दर्शन करने के लिए हम चलते हैं इस महान और प्रभावक प्रतिमा जी के। और इतनी विशाल प्रतिमा जी नॉर्मली पद्मासन में देखने को नहीं मिलती है, जो कि उदयपुर में स्थित है। ये भारत का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ की जहाँ पर कि इतनी विशाल का है प्रतिमा जी विराजमान है श्री पद्मनाभ जी की। यहाँ के लोग जो हैं इन्हें चौगान मंदिर भी कहते हैं। 95 इंच ऊंची और 81 इंच चौड़ी, लगभग 575 वर्ष प्राचीन ये प्रतिमा जी पद्मनाभ स्वामी जी की है। भारत में इस तरह की विशाल प्रतिमा जी आगामी तीर्थंकर की काफ़ी मुश्किल है। इस तरह की प्रतिमा जी को देखकर लगता है कि अद्भुत जी में जो शांतिनाथ दादा हैं और नौटूक में जो प्रतिमा जी हैं विशाल का है, अद्भुत जी ही उनका भी मतलब नाम है, ऐसी ही प्रतिमा जी ये हैं। कैमरे में हो सकता है कि आपको मतलब लगे कि ये एक नॉर्मल प्रतिमा जी है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ मेरी साइज़ के अकॉर्डिंग कि कितनी विशाल क्या प्रतिमा जी हैं, और वो भी पद्मासन में। यहाँ पर उल्लेख एक लेख के आधार पर मंदिर में स्थापित जो अंजनशाला का हुई थी उसमें श्रेष्ठी सेठ पाल नवलखा विक्रम संवत 1492 में महाराणा कुंभा के समय में नागता स्थित अद्भुत तीर्थ में इस प्रतिमा जी को भराया गया था, जो कि यहाँ से नज़दीक में ही है, नाथद्वारा के समीप में। अद्भुत जी जो कि शांतिनाथ दादा का एक जैन तीर्थ है। इस प्रतिमा जी पर जो चिन्ह अंकित है वह शेर का धड़ है और हाथी जो है वो सूंड वाला है। इसमें भी आपको दिखाऊं, मैं जूम करता हूँ। इसमें जो लांछन है परमात्मा का, इसमें बॉडी जो है वो सिंह की है, शेर की है, और सर जो है यानी कि वो हाथी का है सूंड वाला। सेम की सेम इस तरह का लांछन हमें हथुंडी तीर्थ जो कि मतलब राता महावीर जी है वहाँ पर देखने को मिलता है। पद्मनाभ प्रभु की ये प्रतिमा जी को गुजरात के श्रावक श्री कपूर चंद वर्धमान के द्वारा अद्भुत जी नागदा से पाटन लेके जा रहे थे। वो रास्ते में रात्रि के समय जब विश्राम के लिए उन्होंने इस चौगान मंदिर में डाला पड़ाव, तो यहाँ से बैलगाड़ियाँ सुबह उन्होंने प्रस्थान नहीं किया। तब से इसी स्थान पर यहाँ के श्रेष्ठियों ने जनालय बनाने का एक निर्णय लिया, और इतना भव्याति भव्य ये जैन मंदिर बनाया है। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि इतनी सुंदर प्रतिमा जी के दर्शन कर पा रहे हैं, और आज से हजारों और लाखों वर्ष के बाद में ये जैन तीर्थंकर होंगे। और सोचिए कि हम अभी से ही इनके दर्शन कर पा रहे हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं। नमो अरिहंताणम कहना ना भूलें। और आइए हम दर्शन करते हैं यहाँ की अन्य प्रतिमा जी के। यहाँ पर आदिनाथ दादा शत्रुंजय तीर्थमंडन, अत्यंत मनोहारी प्रतिमा जी। यहाँ की जितनी भी प्रतिमा जी हैं सभी पद्मासन से संबंधित हैं और काफ़ी ज़्यादा विशाल काय हैं। उनका वृहत स्वरूप है जो कि हमें सभी को विस्मृत कर देता है। जैसे हम देखते हैं ऐसा लगता है कि हम गिरनार जी या पालीताणा के मंदिरों का दर्शन कर रहे हैं। देखिए आप, सभी संप्रतिकालीन प्रतिमा जी लगती हैं। श्री पार्श्वनाथ भगवान इस तरह का छत्र अन्यत्र दुर्लभ है देखना, बहुत इतना विशाल का है इनका परिकर। परिकर में देखिए दो पद्मासन और दो कायोत्सर्ग प्रतिमा जी भगवान के दाहिने और बाईं ओर। किसी भी परिकर के अंदर हम जब भी मतलब देखते हैं तो पांच प्रतिमा जी हमको देखने को मिलती है। एक तो स्वयं परमात्मा जो कि विराजमान है, साथ में उनके पांचों कल्याणकों को इस अवस्था के अंदर दर्शाया होता है। इस परिकर में उनके जीवन से संबंधित सभी घटनाओं को दर्शाया जाता है।
आइए हम अगले तीर्थंकर के दर्शन करते हैं, आदिनाथ दादा। यहाँ पर चार आदिनाथ दादा विराजमान हैं आमने सामने। ये देखिए आप, वहाँ पर भी आदिनाथ दादा हैं, सामने अजितनाथ दादा हैं और चार आदिनाथ दादा। बाकी अन्य हम यहाँ के शत्रुंजय पट्ट के दर्शन करते हैं। ये गिरनार जी का पट्ट है यहाँ पे, अत्यंत सुंदर, जिसे कि हम रेवताचल तीर्थ भी कहते हैं। उसके पहले हम लोग तीन बार जाप जरूर करेंगे आगामी तीर्थंकर श्री पद्मनाभ जी का। ये धर्मचक्र मंत्र है, तीर्थंकरों के विचरण के समय हमेशा धर्मचक्र आगे उनके घूमता है और धर्मचक्र हमारे धर्म की प्रभावना को और ज़्यादा बढ़ाता है। आइए उसके विशिष्ट मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम रीम श्रीम क्लीम अर्हम श्री धर्मचक्रणे अर्हते नमः। ओम रीम श्रीम क्लीम अर्हम श्री धर्मचक्रणे अर्हते नमः। ओम रीम श्रीम क्लीम अर्हम श्री धर्मचक्रणे अर्हते नमः। शत्रुंजय पट्ट, शत्रुंजय महातीर्थ के दर्शन करिए और गिरिराज जी को यहीं से नमन करिए कि यहीं से हमारे दर्शन पूर्ण हों। आइए अगले पे चलते हैं। हाँ, ये अष्टापद तीर्थ, अष्टापद तीर्थ पे आगामी तीर्थंकर रावण जो है तपस्या करते हुए और मंदोदरी जी भगवान की भक्ति में नृत्य करती हुई और दर्शन करते हैं अजितनाथ जी के। दर्शन रह गए थे, मिच्छा में दुख रहा हूँ उसके लिए। तारंगा तीर्थ मंडन श्री अजितनाथ दादा की जय। दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ दादा, अत्यंत मनोहारी प्रतिमा जी। परमात्मा की आंखें उनके प्रभावी होने का संकेत करती हुई और इस जिनाले के आप दर्शन करिए। बड़ा सुंदर ही जिनाले है, कांच का काम किया गया है यहाँ पर। आइए हम नमन करते हैं श्री पद्मनाभ स्वामी जी को। तो ये थे आज के दर्शन श्री पद्मनाभ स्वामी जी के चौगान मंदिर उदयपुर से। कल के लिए तैयार रहिए कुछ सरप्राइजेस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ में। डेवलप जनालय के इस पेज पर लाइक करना ना भूलें। जय जिनेंद्र, जय पद्मनाभ जी।